सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वक्त मैं मुल्तान की सड़कों पर आवारा गर्दी करता नज़र आ रहा हूं आप सबको, और मेरे सामने आसमान पर काली घटाओं ने अपना बसेरा किया हुआ है, जिसकी वजह से मतलाए अबर पूरी तरह से आलूद हो चुका है और मेरे कदम आहिस्ता आहिस्ता रेलवे स्टेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज 30 अप्रैल 2021 है और मैं अपना लास्ट एग्ज़ाम देने के बाद घर की राह लेने लगा हूं। तो मौसम को देखकर तो ऐसा मालूम होता है कि आज का सफ़र बहुत ही शानदार गुजरने वाला है। सामने आपको स्टीम इंजन नज़र आ रहा है, जो कई साल पाकिस्तान रेलवे में अपनी खिदमात सर अंजाम देने के बाद अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी एंजॉय कर रहा है। ये अक्सर आपको पाकिस्तान के बड़े स्टेशन्स पे देखने को मिलता है। मैं अपना बताऊँ तो मैंने ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन, हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन या फिर यहाँ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर देखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, MU 38 to 19 ने हॉल करना है इसको कराची तक, और 26 टाउन बाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस से कपल होने के लिए आ रहा है। बदकिस्मती से ओल्डेस्ट कोच ऑफ इकॉनमी मेरे नसीब में आई है इस बार, हमेशा की तरह। सोचा तो आज था कि शायद CNR किस्मत में लिखी हो, लेकिन आज भी ओल्डेस्ट CFI रिफर्बिश्ड कोच। और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये महर एक्सप्रेस के रेक्स हैं रावलपिंडी वाली। अभी तकरीबन 10 मिनट रहते हैं डिपार्चर को, तो जैसे ही ट्रेन चलती है तो हम डिपार्चर भी देखते हैं इसका। तो दोस्तों, इस वक्त आप मुझे जिस ट्रेन में देख रहे हैं या मैं जिस ट्रेन में अपने सफ़र का आगाज़ करने लगा हूँ, वो मुल्तान और कराची के दरमियान चलने वाली एक रेगुलर ट्रेन है, जिसको आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट कर रही है। और इसकी लीड पर लगा हुआ है कराची शट का HGMU 38 to 19 लोकोमोटिव। तो चलिए अब इसका डिपार्चर भी इंजॉय कर लेते हैं।
तो दोस्तों शुजाबाद से डिपार्ट करने के बाद मुझे नींद की झपकी आ गई और जब मेरी आंख खुली तो हमारी ट्रेन लोधरा खानेवाल कॉर्ड लाइन को हेलो हाय करते हुए और अपनी जगह ML1 पे बरकरार रखते हुए लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इंटर हो रही थी। लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से दो लाइंस डाइवर्ट होती हैं, एक लाइन जिसे हम कॉर्ड लाइन के नाम से भी जानते हैं जो कि लोधरा से शुरू होकर ब्रास्ता दुनियापुर जहानिया से होती हुई सीधा खानेवाल जंक्शन पर कनेक्ट होती है, तो दूसरी लाइन ब्रास्ता विहाड़ी पाकपतन से होती हुई कसूर जंक्शन, उसके बाद रायवंड जंक्शन और फिर लाहौर जंक्शन की तरफ चले जाती है। और आजकल इस लाइन पर सिर्फ एक ही ट्रेन 37 अप और 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस ही मूव कर रही है। थर्टी सेवन अप और 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं आप लोधरा जंक्शन पे। वो हमारी ट्रेन खड़ी 26 डाउन बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस और ये 37 और 38 डाउन का प्लेटफॉर्म लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ये सीधी जो लाइन है ये सीधी ब्रांच लाइन डाइवर्ट होके विहाड़ी कसूर से होती लाहौर चले जाती है। दोस्तों लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन और बहावलपुर रेलवे स्टेशन के दरमियान में दरियाए सतलुज के ऊपर बना हुआ एम्प्रेस ब्रिज आता है जिसको क्रॉस करके ट्रेन फौरन ही बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर इंटर हो जाती है। तो अगर आप डाउन ट्रैक पर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहावलपुर रेलवे स्टेशन की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि जब ट्रेन एम्प्रेस ब्रिज यानी कि दरियाए सतलुज के ऊपर से गुजरना शुरू कर दे तो आप अपना सामान बांध लीजिए कि आपकी मंजिल बहुत करीब हो जाती है।
26 टाउन भाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस भावलपुर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच की हुई है। भावलपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन, न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है। और जो मौजूदा जियो न्यूज़ पे जो ड्रामा चल रहा है खुदा और मोहब्बत, उसकी शूटिंग भी इसी रेलवे स्टेशन पे की गई है। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि रेलवे स्टेशन कौन सा है, कुछ लाहौर समझ बैठते हैं या कुछ मुल्तान समझ बैठते हैं, तो ये भावलपुर रेलवे स्टेशन पे इसकी शूटिंग हुई है मैक्सिमम खुदा और मोहब्बत की। तो इंशाल्लाह किसी दिन यहाँ पर आकर आपको शूटिंग साइट भी दिखाऊंगा और रेलवे स्टेशन भी विज़िट कराऊंगा। खैर अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। 26 टाउन भावुद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस अपने मुकर्रा वक्त से 15 मिनट लेट भावलपुर स्टेशन पर अप्रोच की हुई है। अभी नेक्स्ट स्टेशन होगा सम्मा सट्टा जंक्शन। सो लेट्स सी, देखते हैं कब अफतारी का टाइम होता है और कब अंधेरा होता है यहाँ पे। तो दोस्तों तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप करने के बाद हमारी ट्रेन 26 टाउन भावुद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस भावलपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। तो आज आप ये लाजमी सोच रहे होंगे कि मैं अपना व्लॉग वॉइस ओवर के साथ क्यों पेश कर रहा हूं, तो उसकी वजह आपको बताता चलूं कि आज मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज सारा दिन एक बिज़ी रूटीन गुजारने के बाद रोज़े ने भी बस करवा दी थी, जिसकी वजह से मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इंशाल्लाह आगे चल के अफतारी के बाद आपके साथ लाइव कमेंट्री के साथ हाजिर होता हूँ। तो चलें बिना वक्त जाया किए भावलपुर रेलवे स्टेशन से डिपार्चर भी देख लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। ट्वेंटी सेवन अब शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है। मुबारकपुर पे अनएक्सपेक्टेड सा स्टॉप किया है और अब उधर से निकल रहे हैं। मेरी आंख लग गई थी तो लिहाजा मैं जान नहीं सका कि किस वजह से स्टॉप किया है यहाँ पे, लेकिन इसका शेड्यूल्ड स्टॉप नहीं है। फुल आंधी का मौसम हुआ पड़ा है। आजकल 11 अप और 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस का ही सिर्फ यहाँ पे स्टॉप होता है। अफतारी का भी टाइम हुआ जाता है, तो चलें अब मैं अफतारी कर लूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ इंशाल्लाह डेरा नवाब साहिब पहुँच के।
दोस्तों अफ्तारी करने के बाद अब थोड़ी जान में जान आई है और अब आपको मेरी आवाज़ पहले से ज़्यादा फ्रेश भी लग रही होनी है। तो इस वक्त हम निकल रहे हैं डेरा नवाब साहिब रेलवे स्टेशन से, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेशन होगा हमारा लियाकतपुर रेलवे स्टेशन। और मगरिब का टाइम हो चुका है, अजानें हो रही हैं हर तरफ, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं हम लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पे। तो गाइस लियाकतपुर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर चुकी है 26 टाउन भाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, और मेरे ख्याल से इसके आगे वीडियो बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो चुका है। तो अपनी वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं हम। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो अब आपसे मुलाकात होगी मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।